मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 रुपए कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ, दफ्तर में लोग थर थर कांपते हैं मुझसे। ये तो आप 4 बार बता चुके हैं, काम की बात बताइए ना। ये जो आदमी तुमने बिठा रखा है इसे रिहा करो जल्दी। नहीं नहीं, देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, हल्ला मत मचाओ। देखो इसको ना हम रिहा कर नहीं सकते क्योंकि पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा ऑफिस तो है नहीं। हमने इसको रंगे हाथों पकड़ा है चोरी करते हुए। चोरी? हाँ चोरी, कल रात को गोल चक्कर पे चोरी का रिक्शा चलाते हुए पकड़ा है हमने इसे। रिक्शा? एक ग्राम विकास अधिकारी का जीजा रिक्शा चला रहा था, वो भी देसी का ठर्रा पी के। ओ माय गॉड, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था, देख लिया अपने भागने का नतीजा। अरे इससे तो साहब ने कितनी बार कहा था कि थाने आके हफ्ता दे दे, लेकिन नहीं, इसे तो बस दारू की पड़ी थी। पुलिस वाले होकर तुम हफ्ता लेते हो? देखो ऐसा है, हफ्ता तो हम लेते हैं, कोई दिक्कत? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको इसकी जमानत करवानी है तो आपको महीने भर का हफ्ता देना पड़ेगा, वो भी 20% ब्याज जोड़कर। मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, मुझसे कोई हफ्ता नहीं ले सकता। ओ फिर तो जमानत नहीं हो पाएगी, क्योंकि रास्ता ही वही है ना, मतलब हल उसी रास्ते पे जाके निकलेगा। अरे सोए, हमें ना जरूरत काई के एहसान की, चले जाओ तुम यहाँ से, पीरपाल अपनी जमानत खुद करवाएगा। भेजो जी, आ भेजो। बेटा तुम्हारी जमानत नहीं होगी, हम तुम्हें लंबी सजा करवाएंगे, लंबी, क्योंकि सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ना। रिस्पॉन्स मिले तो बात बने। तुम इतना गिर गए हो कि चोरी करने लगे, कुछ तो इज्जत का ख्याल रख लिया होता। आज तेने तो बड़ी जान रखी ना इज्जत की, घर छोड़कर भाग आई तू। तो क्या करती, तेरे साथ ये भी चोरी करती? दारू पीना तो सिखा ही दिया था, अब चोरी करना भी सिखाता क्या? ओए ऐसो है, कम बोल, क्यों मेरी लुगाई, चाहे मैं यहाँ तो कुछ भी करवाऊँ तो का लेने देना, तुमने व्याधि ध्याधि अपना काम करो। बीवी थी, अब नहीं हूँ। क्यों, आपका तलाक है? हमारा अगर तलाक है तो तुम छुड़वाने थोड़ी आती यार, तो तुम होता भी कर रहे हो, बताओ है करेगा ना करे, बता। ए क्या बकवास कर रहा है, तलाक भी जल्दी हो जाएगा, कल वकील बुलाया मैंने। और हाँ, मैं भी पुलिस स्टेशन इसलिए आई क्योंकि मुझे फोन आया था पुलिस स्टेशन से। अरे तो जब आई गई है तो जमानत ही करवा दे, अब खाली हाथ जाओगे बिना पैसा दिए तो अच्छा थोड़ी लगेगा। और तूने जो ये काम किया है उसकी जमानत मैं नहीं करवाऊंगा। अच्छा ऐसा कहा कर दिया मैंने, बताइयो, एक छोटी सी चोरी तो करी है। छोटी सी चोरी? ये छोटी सी चोरी है? छोटी सी चोरी है ये? बताइए, रोज एक रिक्शा बेच के दारू पीता है ये, इसे हम छोटी सी चोरी नहीं कह सकते, ये नहीं है छोटी सी चोरी। देखो साहब, जो चोरी पकड़ी जावे वह ये चोरी कह करे, जो ना ही पकड़ी गई वह कैसी चोरी, तुम नकल पकड़ो मैं तुम उस भाई अकाउंट करो, देखो गलत बात नहीं है ना। अरे शराब के नशे में चोर बन गया तू, तुझे शर्म नहीं आती? शर्म तो तुझे आनी चाहिए, तू ऐसा बनो डोले के राम विकास अधिकारी टाटा सुमो 55,000, यहाँ तेरा बहनों भी बैठो जेल में, देखा पैसा छुड़वा का इतना लेता हूँ। ऐसी बात करते भैया से, तुमने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है, मैं ही पागल थी जो तुम्हारे साथ भाग के शादी कर ली। तू तो बोल रही मत ना, तेरे मेरी जिंदगी झंड कर दी बिल्कुल ही, तेरे क्रीम पाउडर के चक्कर में तो मैं कंगला हुआ घूम रहा हूँ, यही चक्कर में दारू पीनी शुरू करी, फ्रस्ट्रेशन हो गो, वो तेरा दिमाग खराब कर दिया। भाई अधिकारी आ गई, काले का आई है तू कंगली। तो क्या लेकर आती, नमकीन और चिप्स? सारा बेच कर तो दारू पी गया तू। ओए सोए, अपनो बेच के पी रहा हूँ, तेरा कहा तू बता, तेने कहा दे दियो, वा कछ भी ना दियो तुमने, डींग मार तो रहे टाटा सुमो बाटा सुमो। देखो मेरे भैया के खिलाफ एक भी शब्द बुरा नहीं सुनूंगी मैं, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ज्यादा बोलेगा तो लड़की भगाने के जुर्म में अंदर करवा दूंगा, जिंदगी भर सड़ेगा अंदर। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये थाना है, देखिए आपका घर तो है नहीं, तो अगर आपको जमानत करवानी है तो करवाइए, नहीं तो अपना। सुशीला, सुशी माय स्वीट डार्लिंग, मैं तो उसे बहुत प्यार करूँ, देख तेरी गम में तो मैं दारू पीना सीखूं, जब भी पैग मारूं ना तेरी बहुत याद आवे, मो बहुत याद करूं मैं तो, आई लव यू तोसु, और काइसु भी ना करूं मैं, तेरी कसम पीना छोड़ दूंगा, तू बस एक बार अपने भैया से कह के मेरी जमानत करवा दे। पक्का छोड़ दोगे? अरे हमारी पहली पप्पी की कसम,
फोड़ दूंगा। बताओ यार, बड़ा बेशर्म आदमी। भैया बेल करवा दो ना, कह रहे हैं ना छोड़ देंगे और फिर मैं आपके घर से भी चली जाऊंगी। कितने रुपए लगेंगे जमानत के लिए? 5,55,000 ओनली। ये दरोगा, तेरा दिमाग तो ठीक है? ये मेरे पूरे महीने की कमाई है। एक मिनट। देखिए बात जो है वो तमीज से करिए, बात तमीज से होनी चाहिए, ठीक है? समझ रहे हैं? बात तमीज से करिए। और पूरे महीने से हफ्ता नहीं दिया इसने। इतना नहीं दे सकता सुशीला, रहने दे इसको जेल में, तभी सुधरेगा ये। अरे कैसे भैया, तू अपनी बहन के स्वाग को यहाँ जेल में सड़ने को भेज रहा है? पैसे देकर छुड़वाना था क्या? हम पागल है का? कतई हमारी कोई इज्जत ही ना, बचे हुए हम तुम्हारे। भैया करवा दो ना, एक ही महीने की तो सैलरी है। अरे ये पैसा इसकी जेब में जाएगा, सरकार के पास नहीं, और रिश्वत देना मेरे उसूलों के खिलाफ है। वाह, सुगलियाद आ गए भाई साहब, तू देख रहे हो? 5 साल पहले जब तेने मेरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के 400 रुपए घुस दी, जब तेरे उसूल कहाँ चले गए तेरी सूमो में? हैं? एक ग्राम विकास अधिकारी होकर आप रिश्वत लेते हो? मखनचंद पकड़ लो इन्हें। ए इंस्पेक्टर, हाथ लगाया तो टांग पे टांग रख के चीर दूंगा अभी। देखिए अब आपने मुझे धमकी दे दी, अब आपको पकड़ना पड़ेगा मखनचंद। इन्हें पकड़ के इनके पहलू के साथ बिठा दो। ए, ए, ए। भैया भैया अब क्या होगा? क्यों पड़ेगी तो थल्ली, जब हमारी जमानत करा देते तो इधर ना देखना पड़ता तुम्हें। अरे ये सब तेरी वजह से हुआ है ना, तू चोरी करता और ना थाने आता और ना ही ये सब होता। मखनचंद अंदर डालो इन्हें, डालो अंदर। एक मिनट, ये रहा मेरी जमानत का पैसा, और एक ग्राम विकास अधिकारी को कोई जेल में नहीं डाल सकता। भैया इनको कौन छुड़वाएगा? इंस्पेक्टर साहब मैं भी इन्हें लेकर आ रहा हूं अपनी जमानत के लिए, ठीक है? मैं आ रहा हूं अभी। अरे मखनचंद पकड़ इसे, अंदर डाल, पकड़ इसे, डाल अंदर। अब कोई भी आ जाए छोड़ना नहीं है इसे।